गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है और वो अपना काम कर रही है, लाइक किचन में है। और मेरा जो काम होता है एवरी सैटरडे का वही मैं कर रही हूँ, सारा कुछ क्लीन करती हूँ मैं, क्योंकि सैटरडे संडे अच्छे से गुजरे, मतलब संडे रिलैक्स्ड हो और मंडे को भी ज़्यादा खिचपिच ना हो, सब कुछ क्लीन हो। इसलिए सैटरडे को मैं मोस्टली बहुत सारा घर का काम करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, जो भी कपड़े फैलाए होते हैं, जो मतलब पहने होते हैं पूरे वीडियो में, सारे को अच्छे से मोड़ मोड़ करके रखती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं टाइम नहीं मिल पाने के कारण, तो सारा काम मैं आज के दिन करती हूँ। Hey guys, so आज है सैटरडे और अभी 10 बज चुके हैं और घर का सारा काम हो चुका है। कल नहीं आई थी मेरी हाउस हेल्पर, उनको अपने बेटे के कॉलेज जाना पड़ गया था काउंसलिंग के लिए, फीस कम करने के लिए, तो कल नहीं आई थी। आज आई, आज जैसे ही मतलब नितेश जब तक नाश्ता करके जा रहे थे तब तक वो आ गई। तो उनके आने से एक चीज़ हो गया है कि जो नितेश के जाने के बाद मैं मटिया के सो जाती थी ना लाइक 10 बजे 11 बजे तक, वो अब नहीं हो पा रहा है 1 वीक से। तो नितेश के जाने के बाद मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि वो आ जाते जैसे वो निकलते हैं या फिर उनके निकलने से पहले ही वो आ जाती है, उसके बाद वो अपना क्लीनिंग करने लगती है। उसके आने के बाद मैं भी नहीं सो पाती हूँ, देखना पड़ता है क्या बताना पड़ता है, कैसा क्या करना है, तो मैं भी अपना काम करते रहती हूँ। और आज तो मैंने सारा अपना बेडशीट वगैरह कम्फर्टर वगैरह का कवर निकाल दिया है, धूप में डाल दिया है कम्फर्ट एंड पिलोज को, और बाकी सारे को धोने के लिए दे दिया है। आज मैं भी मुझे 2 से 3 बार वॉशिंग मशीन चलाना पड़ेगा, तो क्योंकि लास्ट टाइम की बेडशीट भी नहीं धोई हुई है, वो भी है, तो एक एक करके सारा कुछ कर लूँगी मैं। और किचन का सारा काम हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, किचन साफ़ हो गया है, घर साफ़ हो गया है, बस अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मेरे बहुत मन हो रहा था ना कि मैं आज गुपचुप बनाऊँ शाम में, क्योंकि इस बार भी फिर गुपचुप का पैकेट ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, महकने लगेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। तो लास्ट टाइम के दोनों गुपचुप के पैकेट मैं बनाना ही भूल गई, मतलब बना ही नहीं पाई, बस कल 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 सोचते सोचते बना नहीं पाई, और फिर उसमें स्मेल आने लगी, थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है ना, तो वो नहीं आने लगी, तो मैंने फिर हटा दिया उसको। तो इस बार भी लेकर के आई हूँ, तो इस बार भी ख़राब ना हो जाए इसके लिए बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा आलू लेने के लिए पजामुद्दीर, तो मैं थोड़ा मटिया रही थी कि नहीं कल जाएंगे या फिर नितेश आ जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि बहुत हेवी हो जाता है सारा सामान, तो लगभग 800 मीटर है, तो लाने में बड़ा दिक्कत लगता है यार। पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यार नीचे में भी तो स्टोर खुल गया है, नहीं भी तो 2 मंथ हो गए हैं नीचे में स्टोर खुले हुए, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। पर अचानक से ना मैं अभी कुछ कर रही थी किचन में, तो मुझे याद आया, अच्छा मैं मतलब सोच रही थी कि कहाँ मिल सकता है आलू, कहाँ मिल सकता है आलू, तो मुझे याद आया कि अच्छा नीचे भी तो स्टोर है। तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ से ब्रेड और आलू लेकर के आऊँगी। आज शाम में गुपचुप बनाएंगे हम, मिंट लीफ तो नहीं मिलेगा, यहाँ है भी नहीं, तो मिंट लीफ ठीक है नहीं है तो क्या, धनिया पत्ती है उससे काम चला लेंगे हम। तो आज शाम में गुपचुप बनाऊंगी और जा रही हूँ मटर भी फूलने देना है, मटर भी बनाऊंगी थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया छोले खाए हुए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो आज थोड़े से छोले बनाऊंगी, गुपचुप बनाऊंगी। ब्राउनी भी मिला तो मैंने एक ब्राउनी भी ले लिया है, बाद में खाऊंगी, अभी तो फटाफट से चाय बनाती हूँ क्योंकि भूख बहुत लगी है। तो आफ्टर चाय नाश्ता मैं यहाँ पे नितेश के जो कपड़े आयरन करके आए हुए थे उनको उनके वार्डरोब में सेट कर दे रही हूँ। इनका वार्डरोब भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं ठीक किया हुआ है, और ये कपड़े भी 10 दिनों से दिए हुए थे, तब तक जो बचे हुए थे वो पहन रहे थे, तो आज फाइनली उनका सारा वार्डरोब क्लीन कर दूँगी, क्या देखती हूँ क्या है कैसा है, बहुत टाइम से मैंने देखा भी नहीं है कि क्या हाल है, ऐसे जनरली ख़राब ही हो जाता है। तो मेरे पास जो भी ये हैंगर है और जिनमें भी मैं शर्ट ऑर्गेनाइज करती हूँ सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप जब भी देखते हो लिंक मांगते हो, सभी के लिंक मैंने आपको कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो, जो मुझे अच्छी लगती है उसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, जो ओके है वो नहीं करती हूँ। तो सारे पैंट वगैरह को हैंगर में, मल्टी हैंगर है ये, उसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। उसके बाद ये जो सारे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलर से हैं सारे, वाइट वाले और ग्रे वाले, एक तो स्पेसेस की है और एक कौन से ब्रांड की है, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक जो प्लास्टिक वाली होती है ना, एकदम लड़पड़ प्लास्टिक की, वो वाली तो नहीं अच्छी है, बट वो आपको 299 रुपीज़ में 10 पीस मिल जाते हैं। ये वाले थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनमें सेट ऑर्गेनाइज करना बहुत ही अच्छा होता है। आपके आयरन सेट जो होता है ना, कि एक निकालो तो जो दूसरा ख़राब हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती है। ये बेस्ट पार्ट लगती है मुझे, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मुझे नहीं लगता कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लाइफ टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, यही बोलूँगी मैं, क्योंकि ख़राब होने वाले या टूटने वाले तो है नहीं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और इनके सारे जो भी टी शर्ट वगैरह मैंने धो करके रखे थे, उनको भी आयरन करना है। और यार टेलर का पता नहीं यार, इनके पैंट लिए हुए थे दो, ट्राउज़र, उनको नीचे से कट करवा के जो हेम करवाना होता है ना, वो कराना है, पर वो भी अभी तक नहीं हो पाया है, 6 मंथ हो चुके हैं। तो इनके सारे जो भी कपड़े घर वाले हैं, उनको मैं बास्केट में रख दूंगी, और बाकी जो थोड़े अच्छे टी शर्ट हैं जो बाहर पहन के जाते हैं, वो सारे को हैंगर में हैंग करके रख दूंगी। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं, लाइक जो जिम के लिए या फिर रनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो वाले अलग से रख दूंगी, ताकि सारा कुछ कचपच ना हो और अलग अलग कैटेगरी वाइज रहे, तो इससे ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और यहाँ पे सारे मेरे जो हैंगर है वो बहुत ही मल्टी कलर में है, क्योंकि कभी कुछ डीमार्ट से ले लिया, जैसे जैसे कपड़े बढ़ते गए वैसे वैसे एक एक लेके आते गई, और जब जो मिला वो ले लिया, ऐसा कुछ है। और ये आयरन स्टैंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, और बहुत ही ना स्टडी है, काफ़ी मजबूत है, और इसको एडजस्टेबल है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग बैठ के करना है, खड़े होके करना है, वो कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे आयरन ही ख़राब हो गया था, तो मैं आयरन नहीं कर पाई, सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ फैला लिया, उसके बाद चेक किया तो आयरन ही ख़राब है। तो बोलो अब क्या करें, अब ऐसी किस्मत हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सारे कपड़े निकाल लिए, सारे हैंगर निकाल लिए, और जब आयरन करने गई तो पता चला आयरन ही खराब है। ये वाला जो यहाँ पे था ना, ये बहुत दिन से लूज था, तो किसी तरह से काम चला रहे थे। यार स्पैम नंबर से कॉल इतना आता है, वो करें। लास्ट संडे हम गए थे, तो उस टाइम पे मैंने नितेश को बोला था कि आयरन लेना है, तो वो रिलायंस में जाकर के देख भी रहे थे, मुझे बुला रहे थे कि आओ, और मैं गई हुई थी एथनिसिटी, तो कि तो मैंने बोला कि नहीं, आयरन अमेजन में सेल आने वाली है, उस टाइम पे अमेजन से ले लेंगे, बट ये तो पहले ही खराब हो गया, काम चल रहा था, बट काम चल रहा था, अब नहीं होगा। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. व्हाइट बेडशीट ली हुई थी, फर्स्ट टाइम मैंने पिंक बेडशीट के साथ, मतलब कलरफुल बेडशीट के साथ मैं इसको वॉश किया, तो ये पिंक हो गया था, मतलब लाइट पिंक। और अभी मैंने इसको ये कम्फर्टर कवर के साथ वॉश किया है, ये इस तरह से ना बिल्कुल लाइट सी, बहुत ही ग्रीन या फिर ब्लू टाइप की कलर हो गई है। ये देखो आप, ये कलर कुछ और ही इसमें चढ़ गया है व्हाइट कलर से, ये बहुत ही लाइट हल्की सी, बहुत खूबसूरत सी कलर है। ठीक है, ये कंफर्टर कवर के साथ मैचिंग हो जाएगा, देख रहे हो, अब सूखने पे कितना रहता है ये कलर पता नहीं। और आज का मौसम देखिए, मतलब सुबह से सिर्फ इसी तरह से बादल 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 है, बहुत ही अच्छा वाला मौसम है, मतलब ठंड भी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बट आज मैंने सोचा था सारे पिलोज एंड कंफर्टर वगैरह में धूप लग जाएगी, लेकिन ये रहा मौसम। When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe. Can't get it right,
Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your. फाइनली हो गया है रूम का सारा काम. सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए मैंने, बाद में जब आयरन आएगा तब आयरन कर लूँगी. सो चलिए अब हम छोले भी बना लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को काट लिया है, चॉप कर लिया है. सबसे पहले डालेंगे मस्टर्ड ऑयल. बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ मैं, तो आपके साथ आपको भी बता रही हूँ. यहाँ पे एक तेज़पत्ता डाल दिया है. साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा और उसे अच्छे से चटकने देंगे. एंड उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे प्याज और मिर्च. मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा बना रही हूँ, इसलिए सब चीज़ थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में डाल रही हूँ. तो एक प्याज और दो मिर्च मैंने डाल दिए हैं. हल्दी, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला एंड किचन किंग, ये सारे मसाले डाल करके हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक. लास्ट में मेन मसाला डालेंगे हम, जिसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है. अब इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एक कटी हुई टमाटर. और इससे पहले आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, मैं भूल गई थी, तो मैं इसमें बाद में डालूँगी. तो कोई नहीं, ऐसे भी हमें मसाले को अच्छे से ही फ्राई करना है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा. और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, मतलब धीमे धीमे आंच पे आप अच्छे से फ्राई कर लेना. इसको जलाना मत, ताकि मसालों का टेस्ट ऐसे ही बना रहे. जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे छोले. और छोले बहुत जल्दी थिक हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा पतला ही बनाना चाहिए. तो यहाँ पर मैं बहुत सारा पानी डाल दूँगी. और बस इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि मसाले और छोले अच्छे से आपस में मिल जाए. और ढक करके बस आपको लो फ्लेम में ही 5 मिनट तक बॉईल करना है. और इसके बाद आपके जो छोले हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे. तो इस बन के रेडी नहीं हो जाएंगे, इसमें आपको और दो चीज़ें डालनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप देख सकते हो छोला कितना टेस्टी दिख रहा है, और बहुत ही ईजी है बनाना इसे. तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ. लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अपना बनाया हुआ गरम मसाला, जो इसका टेस्ट को चेंज कर देता है. और साथ में धनिया पत्ते डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे. छोला बन चुका है. अब गुपचुप के लिए मैं यहाँ पे आलू मसाला तैयार कर रही हूँ. तो मैं ऐसे करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ. हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा प्याज डालेंगे कटा हुआ, एंड उसके बाद डालेंगे यहाँ पे काला नमक. उसके बाद यहाँ पे मैं 2 चम्मच छोले डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. साथ में भुना जीरा मिर्च का पाउडर, एंड साथ में हम डालेंगे नमक और रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला एंड धनिया पत्ती डाल करके हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये चोखा बन जाएगा. अब पानी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने इमली फुलाया हुआ था, साथ में मैंने एक हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ती को पीस लिया हुआ था मिक्सी में, और उसे भी मिला दिया. और साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ काला नमक, उसके बाद चाट मसाला, और यहाँ पे हम डालेंगे नींबू का रस. नींबू का रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और साथ में हम डालेंगे भुना जीरा और मिर्च का पाउडर. तो अभी मेरे पास यही सारी चीज़ें थी, तो यही सारी चीज़ें डाल के मैंने बना ली. सो ये है पानी पूरी, और अभी मैं खा करके देखने वाली हूँ कि आखिर बना कैसा है. एक्चुअली मैं बहुत फीका फीका सा है, मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली है, क्योंकि अगर अभी से ज़्यादा मिर्ची डाल दूँगी ना तो फिर टेस्ट खा नहीं पाएंगे और फिर गुस्सा हो जाएंगे. तो उनको अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर और थोड़ा मिर्ची ऐड करूँगी, नहीं चाहिए होगा तो इट्स ओके, मैं नहीं डालने वाली ज़्यादा. तीखा बिल्कुल भी नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट पानी आई थिंक थोड़ा खट्टा लग रहा है. इसमें अपने लिए बना रही होती ना तो भर भर के मिर्ची डाल देती, पर दोनों के लिए बना रही हूँ तो नॉर्मल रखा है, ना ही तीखा ना ही फीका, बीच का. दो तो ऐसे ही खा लिए मैंने, अब नितेश आएंगे तब फिर हम खाएंगे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ. अब इतने लेट से गुपचुप भी खाएंगे तो पता नहीं खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time.
लड़की का मुंह खुलता नहीं है, फिर उसका कैसे पूरा मुंह खुलता है? तो बताइए आपको कैसा लग रहा है कुछ का? बता रहे हैं हाँ सही समझे तुम मिला है पर पैसा नहीं मिला है, अमेज़न पे में मिला है गिफ्ट वाउचर शॉपिंग करने के लिए। कहाँ है पापा? घर कब जाएंगे? जाके फोन करिएगा। हाँ तो अब आज की जो वीडियो है उसका जो मेन रीजन है, नहीं सीधे सीधे बोलते हैं ना, सो अब हम मतलब मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो चीज मैंने आपको बताई थी अपने 200 के सब्सक्राइबर वाले ब्लॉग में, ये एक खुशखबरी है जो मैं आपको बताऊंगी जब वो कंफर्म हो जाए, क्योंकि जब तक कंफर्म थी कि वो खुशखबरी कंफर्म थी, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं उसका नाम हाथों में ना आ जाए तब तक बोलते हैं ना कि ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, अदरवाइज सारी एक्साइटमेंट फुस हो जाए, इसलिए मुझे डर लगता है। ठीक है, कुछ भी बड़ा होने वाला रहता है ना मेरे साथ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो फाइनली अब जब कंफर्म हो चुका है सब कुछ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तुम बताओगे? तुम बताओ ना। तुम बताओ। तो जब प्राइम डे सेल चल रही थी उस टाइम पे एक कॉन्टेस्ट था अमेजन एंड पैसा वापस के साथ मिलकर के, अमेजन के लिए वीडियो बनानी थी, सारे इन्फ्लुएंसर ने बनाए थे उस टाइम पे। तो उस कॉन्टेस्ट में था कि सबसे ज्यादा व्यूज लाइक और कमेंट एंड शेयर, ये चारों चीजों को मिला करके एक रिजल्ट आना था जिसमें 3 विनर्स होते और उसकी मैं विनर हूँ। सबको थैंक यू बोलो तुमको जिताने के लिए। और हाँ, ये विनर मैं इसलिए बनी हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो को सबसे ज्यादा पसंद किया, सबसे ज्यादा लाइक किया, सबसे ज्यादा कमेंट और सबसे ज्यादा सेल, इसके वजह से मैं विनर बनी हूँ। और मुझे क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? हाँ
ये सबको ठेंगा ही दिखा रहे हैं। 50,000 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट है यार, इसे मैं बहुत सारी चीजें ले सकती हूँ। तो 50,000 रुपीज था फर्स्ट प्राइस, जो कि मुझे बोलोगे हिल के जरा ये, तो मुझे मिला है 50,000 रुपीज। और मैं इतने दिन जो कहीं नहीं बताया था, ना ही घर में बताया था, ना ही अपने घर में बताया था, ना इसके घर में बताया था, सिर्फ मुझे पता था। और इसको भी जब बताया कि मैं विनर बनी था, अच्छा ठीक है, मेरा 50,000 मिलने वाला है, तो क्या रिएक्शन तुम्हारा, वो रिकॉर्ड करना चाहिए था रिएक्शन। तो वैसे ही अभी घर पे भी बता दिया, दोनों के घर पे सब लोग बहुत खुश थे और मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश थी। मैं तो मतलब जब तक लग रहा था कि पता नहीं सच में ऐसा है, सच में ऐसा है, सच में ऐसा, बिलीव करने वाला मेरे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था एक्चुअल में कि सच में मिल जाएगा इतना बड़ा अमाउंट। लेकिन हाँ ये सच है कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी वो रिजल्ट और लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो पैसा वापस प्लस अमेजन प्राइम डे सेल कॉन्टेस्ट की मैं हूँ विनर, और सेकेंड और थर्ड विनर भी थे, फर्स्ट विनर को 50,000 रुपीज। सो थैंक यू सो मच। तो यही थी एक खुशखबरी जो मैं छुपा रही थी आप लोगों से, छुपा क्या रही थी, बता इसलिए रही थी क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो जाए कि हाँ बोल दिया हाँ मैं विनर हूँ विनर हूँ विनर हूँ मुझे इतना मिलेगा इतना मिलेगा। वैसे आप लोग इंस्टाग्राम में देख सकते हो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। वो मैं कंफर्म इसलिए कर रही थी कि बस मतलब कंफर्म तो था कि हाँ मैं विनर हूँ, विनर अनाउंसमेंट हो गई थी जिस दिन मेरे 200K हुए थे सेम डे। लेकिन मुझे लग रहा था बस अमाउंट मुझे मिल जाए उसके बाद मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं खुलासा करूंगी। तो बस यही थी वो खुशखबरी। तो आई होप आप लोगों को भी जान के अच्छा लगा होगा। तुमको कैसा लगा? सो गाइस यही खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं हूँ विनर अमेजन पैसा अमेजन प्राइम डे सेल कॉन्टेस्ट की। फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा बताओ गुपचुप कैसा था? टेस्टी था। और छोला? वो भी ज्यादा टेस्टी था। अच्छा गुपचुप से ज्यादा टेस्टी छोला था। yes. वो छोला सिर्फ और सिर्फ ना वो क्या बोलते हैं उसको, गरम मसाले के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी बन गया था। तो मैंने गरम मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप ट्राई जरूर करना, सारे मसाले भूल जाओगे वो एक बार बना लोगे तो, इतना वो टेस्ट को चेंज कर देता है। फिर मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।